आज के स्वाध्याय में हम तत्व शुद्धि पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तत्व शुद्धि, यह सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी इन तत्वों से बने हुए हैं, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन पांचों तत्वों का यह एक सब कुछ मिलकर ही सब प्रसार होता है। जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं या इंद्रियों द्वारा अनुभव में आती हैं, उन सबकी उत्पत्ति पंच तत्वों द्वारा हुई है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से होता है। यह प्रसिद्ध है कि जल वायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शीत प्रधान देशों तथा यूरोपीय लोगों का रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य अफ्रीका के तथा उष्ण प्रदेशवासियों की रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य से सर्वथा भिन्न होता है। पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, मद्रासी लोगों के शरीर एवं स्वास्थ्य की भिन्नता प्रत्यक्ष है। यह जलवायु का ही अंतर है। किन्हीं प्रदेशों में मलेरिया, पीला बुखार, पेचिस, चर्म रोग, पील पाँव, कुष्ठ रोग आदि की बाढ़ सी रहती है और किन्हीं स्थान की जलवायु ऐसी होती है कि वहां जाने पर तपेदिक, सरीखे, कष्ट साध्य रोग भी अच्छे हो जाते हैं। पशु पक्षी घास, अन्न, फल, औषधि आदि के रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण, प्रकृति आदि में भी जलवायु के अनुसार अंतर पड़ता है। इसी प्रकार वर्षा, गर्मी, सर्दी का तत्व प्राणियों में अनेक प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन कर देता है। आयुर्वेद शास्त्र में वात पित्त कफ का असंतुलन रोगों का कारण बताया है। वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है गर्मी और कफ का अर्थ है जल। पांच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है। मिट्टी से ही शरीर बना है और जला देने या गाड़ देने पर केवल मिट्टी रूप में ही इसका अस्तित्व रह जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व तो शरीर का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नहीं बताया। दूसरे आकाश का संबंध मन से, बुद्धि एवं इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से है। स्थूल शरीर पर जलवायु और गर्मी का ही प्रभाव पड़ता है और उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, गुल्म, हठफूड़न, नाड़ी विक्षेप आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तत्व के विकास से फोड़े, फुंसी, चेचक, ज्वर, रक्तपित, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश, रक्त विकार आदि बढ़ते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिस, संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्नदोष, सोम, प्रदर, जुकाम, खांसी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि की मात्रा कम हो तो शीत, जुकाम, अकड़न, अपच, शिथिलता, सरीखे रोग उठ खड़े होते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों का घटना बढ़ना अनेक रोग उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के मत से विशेष प्रभावशाली, गतिशील, सक्रिय एवं स्थूल शरीर को स्थिर करने वाले कफ, वात, पित्त अर्थात जल, वायु और गर्मी ही हैं और दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उनमें इन्हीं तीन तत्वों का ही प्रधान कारण होता है। फिर भी शेष दो तत्व पृथ्वी और आकाश शरीर पर स्थिर रूप में काफ़ी प्रभाव डालते हैं। मोटा या पतला होना, लंबा या ठिंगना होना, रूपवान या कुरूप होना, गोरा या काला होना, कोमल या सुदृढ़ होना शरीर में पृथ्वी तत्व की स्थिति से संबंधित है। इसी प्रकार चतुरता, मूर्खता, सदाचार, दुराचार, नीचता, महानता, दिव्य बुद्धि, दूरदर्शिता, खिन्नता, प्रसन्नता एवं गुण, कर्म, स्वभाव, इच्छा, आकांक्षा, भावना, आदर्श, लक्ष्य आदि बातें इस पर निर्भर करती हैं कि आकाश तत्व की स्थिति क्या है।
उन्माद, सनक, दिल की धड़कन, अनिद्रा, पागलपन, दुस्वप्न, मिर्गी, मूर्छा, घबराहट, निराशा आदि रोगों में भी आकाश ही प्रधान कारण है। रसोई का स्वादिष्ट तथा लाभदायक होना इस बात पर निर्भर है कि उनमें पड़ने वाली चीजें नियत मात्रा में हों। चावल, दलिया, दाल, हलवा, रोटी आदि में अग्नि का प्रयोग कम रहे या अधिक हो जाए तो वह खाने लायक ना होगी। इसी प्रकार पानी, नमक, चीनी, घी आदि की मात्रा बहुत या कम हो जाए तो भोजन का स्वाद, गुण तथा रूप बिगड़ जाएगा। यही दशा शरीर की है। तत्वों की मात्रा में गड़बड़ी पड़ जाने से स्वास्थ्य में निश्चित रूप से खराबी आ जाती है। जलवायु, सर्दी, गर्मी अर्थात ऋतु प्रभाव के कारण रोगी मनुष्य निरोग और निरोग रोगी बन जाता है। काय कलेवर में विद्यमान रक्त, मांस, अस्थि, त्वचा तथा विभिन्न अंग प्रत्यंग इन्हीं के द्वारा बने हैं। सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राओं के रूप में यह तत्व भी सूक्ष्म हो जाते हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी की गंध है। सूक्ष्म शरीर की संरचना अग्नि, जल आदि से नहीं वरन सूक्ष्म तन्मात्राओं से हुई है, फिर भी उन्हें तत्व को ही हम कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों में बहने वाले प्राण प्रवाह में ज्वार भाटे की तरह तत्व तन्मात्राएं उभार आते रहते हैं। लहरों की तरह उनमें से एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अंतः क्षेत्र में कब कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है यह पता साधना द्वारा मन स्थिति लगा सकती है। हर तत्व की अपनी विशेषता है, उसी के अनुरूप व्यक्तित्व में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रकृति और सामर्थ्य में हेर फेर होता रहता है। सूक्ष्म शरीर में कब कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है और किस तत्व की प्रबलता के समय क्या करना अधिक लाभप्रद है, यह इस रहस्य को जाना जा सके तो यह किसी महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ उपयुक्त समय पर किया जा सकता है और सफलता का पक्ष अधिक सरल एवं प्रशस्त बनाया जा सकता है। पृथ्वी तत्व का केंद्र मल द्वारा और जननेन्द्रिय के बीच है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जल तत्व का केंद्र मूत्राशय की सीध में पेड़ ऊपर है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। अग्नि तत्व का निवास नाभि और मेरुदंड के बीच में है, इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। वायु केंद्र हृदय प्रदेश के अनाहत चक्र में है और आकाश तत्व का विशेष स्थान कंठ में है, इसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है। कब किस तत्व की प्रबलता है इसकी परख थोड़ा सा साधना अभ्यास होने पर सरलता पूर्वक किया जा सकता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का श्वेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा और आकाश का नीला है। आंखें बंद करने पर अपने भीतर एवं बाहर जो रंग अधिक मात्रा में बिखरा हुआ दिखाई पड़े तब उसके अनुसार तत्व की प्रबलता आंकी जा सकती है। जिह्वा इंद्रिय को सधा लेने पर मुंह में स्वाद बदलते रहने की प्रक्रिया को समझकर भी तत्वों की प्रबलता जानी जा सकती है। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा, जल का कसैला, अग्नि का तीखा, वायु का खट्टा और आकाश का खारी होता है। गुण एवं स्वभाव की दृष्टि से यह वर्गीकरण किया जाए तो अग्नि और आकाश सतोगुण वायु और जल, रजोगुण तथा पृथ्वी को तमोगुण कहा जा सकता है। व्यक्ति की त्वचा का रंग, चेहरे पर उड़ता हुआ तेजो बल, उसकी स्वाद संबंधी अनुभूतियाँ, रंग विशेष की पसंदगी को कुछ परख कर यह जाना जा सकता है कि उसके शरीर में किस तत्व की न्यूनता एवं किसकी अधिकता है।
जिसकी न्यूनता हो उसे पूरा करने के लिए उस रंग के वस्त्रों का उपयोग, कमरे की पुताई, खिड़कियों के पर्दे, उसी रंग के कांच, कुछ समय पानी रखकर पीने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आहार में अभिष्ट रंग के फल आदि का प्रयोग कराया जाता है। रंगीन बल्ब की रोशनी पीड़ित भाग या समस्त अंग पर डाली जाती है। प्रयुक्त अपने शरीर में अमुक तत्व आवश्यकता अनुसार बढ़ाने और उसका प्रयोग जरूरतमंदों पर करने की साधना भी करती है। यह साधना उसकी आवश्यकता भी पूरी करती है और किसी अन्य की कठिनाई हल करने में भी इसका प्रयोग होता है। तत्व साधना उच्च स्तरीय साधना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, यही उसका विधान भी है। पंचतत्वों की यह साधना मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के समाधान का एक नया मार्ग खोलती है। आज के स्वाध्याय में हम पंचतत्वों की साधना, तत्व साधना, एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। योग विधा में तत्व साधना का अपना महत्व एवं स्थान है। पृथ्वी आदि पांच तत्वों से ही समस्त संसार बना है। विद्युत आदि जितनी भी शक्तियां इस विश्व में मौजूद हैं, वे सभी इन पंच तत्वों की ही अंतर्हित क्षमता है। आकृति प्रकृति की भिन्नता युक्त जितने भी पदार्थ इस संसार में दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब इन्हीं तत्वों के योग संयोग से मिलकर बने हैं। ना केवल शरीर की वरन मन की भी बनावट तथा स्थिति में इन्हीं पंच तत्वों की भिन्न मात्रा का कारण है। शारीरिक मानसिक दुर्बलता एवं रुग्णता में भी प्रायः इन तत्वों की ही न्यूनाधिकता पर्दे के पीछे काम करती रहती है। शरीर विश्लेषणकर्ताओं रासायनिक पदार्थों की न्यूनाधिकता अथवा अमुक जीवाणुओं की उपस्थिति अनुपस्थिति को शारीरिक असंतुलन का कारण मानते हैं, पर सूक्ष्मदर्शियों की दृष्टि में तत्वों का असंतुलन ही इन समस्त संभ्रांतियों का प्रधान कारण होता है। किस तत्व को शरीर में अथवा मन क्षेत्र में कमी है, उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाए, इसका पता लगाने के लिए तत्व विज्ञानी अध्यात्मविद्ता किसी व्यक्ति में क्या रंग कम पड़ रहा है, क्या घट रहा है, यह ध्यानस्थ होकर देखते हैं और औषधि उपचारकर्ताओं की तरह जो कमी पड़ती है, जो विकृति बढ़ी थी, उसे उस तत्व प्रधान आहार विहार में अथवा अपने में से उस तत्व को उभार कर उसे अनुदान रूप रोगी या अभावग्रस्त को देते हैं। इस तत्व उपचार का लाभ सामान्य औषधि चिकित्सा की तुलना में कहीं अधिक होता है। फिल्टरों से युक्त न्यूनार्क लैंप, लेजर किरणों के उपकरण, एक्सरे की विशिष्ट धाराएं, क्वांटा किरणें, एनर्जेटिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का प्रस्तुतिकरण सूर्य किरणों की विशेष रंग धाराओं का विश्लेषण करके ही संभव हो सका है। अब यह विज्ञान दिन दिन अधिक महत्वपूर्ण स्तर पर उभरता चला आ रहा है और लगता है कि रंगों के भले बुरे प्रभावों को अधिक अच्छी तरह जानना और उनका उपयुक्त प्रयोग करके लाभान्वित होना मनुष्य के लिए निकट भविष्य में ही संभव हो जाएगा। रंग यूं देखने मात्र में दृष्टि आकर्षक एवं शोभा सज्जा के लिए काम आते दिखते हैं, पर वस्तुतः उनकी गरिमा और क्षमता कहीं अधिक है। सामान्य रंगाई भी अपना प्रभाव रखती है। फिर सूक्ष्म रंग रूप से काम करने वाले तत्वों से संबंधित रंग शक्ति का तो कहना ही क्या। लाल रोशनी का उत्तेजनात्मक प्रभाव असंदिग्ध है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा आकाश में छाई रहती है, तब पेड़ पौधा जलचर तथा पक्षी विंद आदि अधिक क्रियाशील और बढ़ते विकसित पाए जाते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि किस समय किस क्रम से होती है, इसका लेखा जोखा रखने वालों का निष्कर्ष यही है कि प्रातः
सायंकाल के थोड़े से समय में वे जितने तीव्र गति से बढ़ते हैं उतने अन्य किसी समय में नहीं। मछलियों की उछल कूद इसी समय सबसे अधिक होती है। पक्षियों का चहचहाना जितना दोनों संध्या काल में होता है उतना 24 घंटे में अन्य किसी समय नहीं होता। इसी प्रकार पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी आदि अन्य रंगों का अपना अपना प्रभाव होता है। रंगों की शोभा सर्वविदित है पर उनकी सूक्ष्म शक्ति की जानकारी बिरलों को ही होती है। तत्वों के रंगों के संबंध में पाश्चात्य वैज्ञानिकों की मान्यता यह है कि आकाश तत्व का रंग नीला, अग्नि का लाल, जल का हरा, वायु का पीला और पृथ्वी का भूरा मटमैला सफ़ेद है। शरीर में जिस तत्व की कमी पड़ती है या बढ़ोतरी होती है उसका अनुमान अंगों के अथवा मलों के स्वाभाविक रंगों में परिवर्तन देखकर लगाया जा सकता है। त्वचा तो नस्ल के हिसाब से काली, पीली, सफ़ेद या लाल रहती है पर उसके पीछे भी रंगों के उतार चढ़ाव झांकते रहते हैं। साधारण स्थिति में त्वचा का जो रंग था उसमें तत्वों के परिवर्तन के अनुपात से परिवर्तन आ जाता है। यह हेर फेर के साथ साथ पैरों के नाखूनों में, जीभ में, आँख की पुतलियों में अधिक स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। इसलिए शरीर में होने वाले तत्वों की न्यूनाधिकता को इन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता है। मल मूत्र में भी यह अंतर दिखाई पड़ता है। संतुलित स्थिति में पेशाब साधारण स्वच्छ जल की तरह होगा पर यदि कोई बीमारी होगी तो उसका रंग बदलेगा। डॉक्टर मल मूत्र, रक्त आदि का रासायनिक विश्लेषण करके अथवा उनमें पाए जाने वाले विषाणुओं को देखकर रोग का निर्णय करता है। तत्ववेत्ता अपने ढंग से जब तत्व चिकित्सा करते हैं तो यह पता लगाते हैं कि शरीर के आधार पंच तत्वों में से किसकी कितनी मात्रा घटी बढ़ी है। यह जानने के लिए उन्हें रंगों का शरीर में जो हेर फेर हुआ है उसे देखना पड़ता है। तत्ववेत्ता मनः शास्त्रियों को अपनी दिव्य दृष्टि इतनी विकसित करनी पड़ती है कि मनुष्य के चेहरे के इर्द गिर्द विद्यमान तेजो बलय की आभा को देख सकें और उसमें रंगों की दृष्टि से क्या परिवर्तन हुआ है इसे समझ सकें। मानवीय विद्युत की ऊर्जा शरीर के हर अंग में रहती है और वह बाह्य जगत से संबंध मिलाने के लिए त्वचा की परतों में अधिक सक्रिय रहती है। शरीर का कोई भी अंग स्पर्श किया जाए उसमें तापमान की ही तरह विद्युत ऊर्जा का अनुभव किया जाएगा। यह ऊर्जा सामान्य बिजली की तरह उतना स्पष्ट झटका नहीं मारती है या मशीनें चलाने के काम में नहीं आती है, फिर भी अपने कार्यों को सामान्य बिजली की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह संपन्न करती है। मस्तिष्क स्पष्टतः एक जीता जागता बिजली घर है। समस्त काया में बिखरे पड़े अग्रणी तंतुओं में संवेदना संबंध बनाए रहने, उन्हें काम करने की प्रेरणा देने में मस्तिष्क को भारी मात्रा में बिजली खर्च करनी पड़ती है। उसका उत्पादन भी खोपड़ी के भीतर ही होता है। अधिक समीपता के कारण अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके इसलिए प्रकृति ने महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां सिर के साथ जोड़ रखी हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।